व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। जिस तरीके से हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी को डिस्कस किया था, उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टिमेट कमेटी को। देखिए, ये सारी कमेटी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर जो हमारी कंट्री में चलता है, कहाँ से कितना पैसा निकलना है और क्या क्या कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा होना है, उस सारे पैसे की देखरेख की जाती है इन कमिटीज के द्वारा। और क्या क्या यहाँ पर प्लान बनाने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, उसको ऑल्टरनेटिव क्या प्लान हो सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सजेशन इन कमिटी के द्वारा दिया जाता है। तो आप बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी कंट्री में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनके लिए काफी बड़ा रोल और काफी इंपॉर्टेंट रोल आप इन कमिटी को दे सकते हैं। तो इसीलिए कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मेंबर कौन है इसका, कौन कौन सा फंक्शन है इसके कमिटी के, कौन इसका चेयरमैन होता है, अपोजिशन या फिर गवर्नमेंट होती है, कहाँ कहाँ से इसके मेंबर चुने जाते हैं, लोकसभा की कमेटी है ओनली या राज्यसभा से भी मेंबर आते हैं, चेयरमैन कहाँ से होता है, लोकसभा या राज्यसभा से होता है, चेयरमैन गवर्नमेंट का होता है या फिर अपोजिशन का होता है, चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है, तो दुनिया भर के क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर सारे क्वेश्चन को आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। तो आइए उसी तरीके से हम लोग इसी कमेटी को भी डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एस्टिमेट का अगर हम लोग नॉर्मल हम मीनिंग बताए, तो इसका मतलब होता है अनुमान, एस्टिमेट लगाना। कहते नहीं है कि यार एस्टिमेट लगा कि कितना खर्चा हो सकता है, अगर हम लोग कहीं घूमने चलते हैं एक अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, अनुमान लगाओ कि यार अगर हम बैठकर आज की डेट में पढ़ाई करते हैं तो कितने हमारे नंबर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है। ये कमेटी फर्स्ट टाइम सेटअप की गई थी 1921 में। उस कमेटी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, तब भी हम लोगों ने जाना था ये बातें। आप लोग थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे ना अगर चीजें, तो ज्यादा लंबे समय तक याद रह जाएगी। चीजों के बीच में थोड़ा इंटरलिंक करने की कोशिश क्या कीजिए, हमारी मेमोरी में फिर चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, वो कनेक्ट हो जाती है ना, बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो वो कनेक्टिंग लिंक जब आप कनेक्ट कर पाएंगे तो चीजें लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा की बात करें तो 1950 में फर्स्ट टाइम ये कमेटी सेटअप की गई, और ऐसे ही नहीं कि अपने आप सेटअप कर दी गई, रिकमेंडेशन दी गई थी जॉन मैथाई जी के द्वारा। कौन थे ये उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने बोला कि यार एक एस्टिमेट कमेटी होनी चाहिए, और उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कमेटी के पास में कोई काम दिया जाता है कमेटी को, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन आती है और पॉलिसीज भी जो अच्छे लेवल पर यहाँ पर इंप्लीमेंट फिर की जाती है। ओरिजिनली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 25 मेंबर हुआ करते थे 1956 तक पर, लेकिन फिर इसके जो मेंबर है उनकी संख्या बढ़ा दी गई और 5 मेंबर और ऐड कर दिए गए, फिर इसमें 30 मेंबर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने लगे। पर लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दी थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की ही कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर लोकसभा की ज्यादा पावर यहाँ पर देखने को मिलेगी, वरना सबसे मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें निकल कर आती, ठीक है। तो आपको लोगों को देखने को मिलेगा ये लोकसभा से ही पूरी कमेटी यहाँ तक सेटअप की जाती है ओनली, राज्यसभा का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इसको याद रखिएगा, पहली कमेटी हम लोगों ने देखा था वहां पर राज्यसभा के भी मेंबर हुआ करते थे और लोकसभा के भी मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। बताइए टोटल मेंबर तो वहां पर 22 थे, ये बताइए कितने लोकसभा के थे और कितने राज्यसभा के थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस तरीके से वो कमेटी भी हर साल आप लोगों को देखने को मिला था पिक्चर में आती थी, ये भी एवरी ईयर पिक्चर में आएगी, और यहां पर भी बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ही यूज करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट कमेटी के बारे में जाना था, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट कमेटी देखी थी। तो ये कुछ बातें तो ऐसी हैं, आप लोगों को नई बातें याद ही नहीं रखनी है, थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को देखना पड़ेगा। वहां मेंबर 22 थे, यहां पर 30 हो गए, वहां पर राज्यसभा लोकसभा दोनों से होते, यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली लोकसभा से है। तो ये आधी तो बातें आप लोगों को वैसे ही डायरेक्ट याद रह जाएगी। ऑल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन यहां पर मिलेगी, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जब यहां पर इलेक्ट किया जाएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर सब पार्टी का रिप्रेजेंटेशन यहां पर रहेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है, इलेक्टेड मेंबर बोला जाता है ना कि नॉमिनेटेड। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार कि यहां नॉमिनेट कर दिया गया है, तो नॉमिनेटेड नहीं होता है, मेंबर यहां पर इलेक्टेड होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चेयरमैन की जब बात की गई थी तो चेयरमैन को छांटा जाता है मेंबर में से, उसका इलेक्शन नहीं होता है, पर लेकिन जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन होता है, जो एक बार इलेक्शन होकर आ गया जिन मेंबर का, फिर उसमें से यहां पर चेयरमैन को हम लोग छांटते हैं। कुछ बातें आप लोग काफी कॉमन यहां पर नजर आ रही होगी। नेक्स्ट बात बोली गई यहां पर वन ईयर के लिए, तो वहां पर भी वन ईयर के लिए थी। आकर बात यहां पर ये भी है, वहां पर भी हम लोगों ने देखी थी, दोनों में कंपेयर करके देखिएगा, आप लोगों को काफी चीजें याद हो जाएंगी। यहां पर भी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, कोई भी मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया या फिर कोई भी और मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, किसी भी मिनिस्ट्री का कोई भी मिनिस्टर आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलेंगे।
देखिए नॉर्मली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर उनको कमिटीज का पार्ट नया बना जाए, कमिटी में उनको नया डाला जाए, तो उनके पास में काम क्या रहेगा? आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास में पूरी मिनिस्ट्री है, या फिर होम मिनिस्टर ले लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर ले लीजिए, रेलवे मिनिस्टर ले लीजिए, कोई भी एक मिनिस्टर आप लोग छांट लीजिए, उसके पास में कुछ ना कुछ बहुत अलग अलग तरीके के डायमेंशन में कई सारे काम आप लोगों को नजर आएंगे। उसके अलावा जिनके पास में मिनिस्ट्री नहीं है फिर वो क्या करें, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग किसी न किसी कमेटी के मेंबर नजर आएंगे और वो भी अपनी तरीके से वहां काम करते हुए नजर आएंगे अलग तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये कमेटी सेटअप की जाती है ताकि प्रॉपर वे में वर्क को किया जा सके, ठीक है। चेयरमैन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कभी भी यहां पर आप लोगों को इलेक्टेड मेंबर नहीं मिलेगा, ये अपॉइंटेड मेंबर मिलेगा, ठीक है। और किसके द्वारा? लोकसभा स्पीकर के द्वारा, वहां पे भी स्पीकर के द्वारा था, वहां पर कमेटी में मेंबर दोनों थे, राज्यसभा से भी थे लोकसभा से भी थे। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर राज्यसभा का चेयरमैन अपॉइंट कर रहा है, कई बार माइंड में आ जाता है कि राज्यसभा से आ रहे हैं तो हो सकता है राज्यसभा का चेयरमैन अपॉइंट कर रहा हो, नहीं, पावर दोनों जगह लोकसभा के स्पीकर की ही रहेगी, लोकसभा स्पीकर ही यहां पर पावर दिखाएगा, वही अपॉइंट करेगा। चेयरमैन यहां पर थोड़ा अपोजिट हो जाता है, वहां पर चेयरमैन स्टार्टिंग में तो रूलिंग पार्टी का हुआ करता था, पर लेकिन बाद में चल के आप लोगों को देखने को मिला वहां पर गवर्नमेंट, वो पहले तो गवर्नमेंट का हुआ करता था, रूलिंग पार्टी का, बाद में अपोजिशन का हो गया, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को जो चेयरमैन दिखेगा वो रूलिंग पार्टी का ही नजर आएगा यहां पर, ठीक है। तो इसको क्या समझ सकते हैं आप, इसको आप लोग थोड़ा उस तरीके से समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कमेटी आई है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, उसके फंक्शन देखना, कहां पर कितना खर्चा हो सकता है, एक एस्टिमेट लगा के देगी यहां पर गवर्नमेंट को कि हाँ ये काम आप कर दीजिए, ये काम सही रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसको माइंड में सेट कर सकते हैं कमेटी को। नेक्स्ट क्या बात है यहां पर बोली जा रही है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए जिस तरीके से बजट बनाया जाता है तो बजट एक बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, मैंने आप लोगों को पूरा समझाया था, बजट का लेक्चर भी दिया था अलग से, और उस टाइम पर उसके बाद फिर एक और लेक्चर लिया था जब 6 स्टेप मैंने आप लोगों को टोटल बताए थे, तो पूरा एक लंबा प्रोसीजर होता है, तो पता लगाना होता है कहां पर क्या क्या बातें चल रही हैं, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि हाँ यार इस फील्ड में हम लोग इतना पैसा देंगे तो इतना खर्चा निकल कर आएगा, यहां पर ऐसा करेंगे, तो कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसी जगह पर ये कमेटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो बजट में भी कई तरह के सजेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, क्या सारी चीजें हैं, तो कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी इसको कई बार बोला जाता है, ठीक है। काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रोल प्ले करती हुई नजर आती है, तो इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी बोला जाता है, ये नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सी कमेटी को कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी बोला जाता है, क्योंकि एक एस्टिमेट बताती रहेगी, एक अनुमान लगाती रहेगी, तो कंटिन्यूअस कोई ना कोई काम ही पिक्चर में करती ही करती रहती है। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हम लोगों ने देखी थी, वो कंटिन्यूअस नहीं बोल पाएंगे उसको, क्यों नहीं बोल पाएंगे कंटिन्यूअस, इसलिए नहीं बोल पाएंगे, कैक की रिपोर्ट आ जाती है तो तब वो वर्क करना स्टार्ट करती है। नॉर्मली एस्टिमेट कमेटी क्या है, कोई पॉलिसी आ रही है उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, कोई और सजेशन मांग रहे हैं, एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये आप लोग कंटिन्यूअस कमेटी यहां पर नजर आएगी। इसी तरीके से आप लोग इसके फंक्शन भी देख सकते हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक कहां पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कहां पर इफिशियंसी एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, पॉलिसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट की होती हैं, किस तरीके से उनमें ज्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप लोग बोलेंगे कि काम होने के पहले ये कमेटी होती है, ठीक है, सजेशन देने का काम करती है कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्केल पर, तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। और कि ये बताएगी कहीं ना कहीं आप लोग ये खर्चा यहां पर कीजिए तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और यहां पर कीजिए तो आप लोगों को ज्यादा यहां पर प्रॉफिट मिल पाएगा, तो इस तरीके से ये एक आप लोगों को बोलने को मिलेगा। वो नहीं बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये यहां पर प्रिवेंशन का काम करती हुई आप लोगों को नजर आएगी, बीमार होने से पहले ये सजेशन दे देगी कि भैया संभल जाओ वरना आगे आने वाले टाइम में बहुत खतरा आप लोगों को होने वाला है, तो ये एक तरीके से सचेत करने वाली कमेटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी फॉर्म करती है, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कई सारी यहां पर पॉलिसी यहां पर चलाई जाती है, कहीं पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पॉलिसी चलाई जाती है, जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए पॉलिसी चलाई जाती है, न्यू बॉर्न जो चाइल्ड रहते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड रहते हैं काफी हद तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप लोग हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो बच्चे रहते हैं वो स्टार्टिंग के एज में ही बहुत जल्दी यहां पर डेथ हो जाती है उनकी, तो उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो बहुत सारी आप लोग यहां पर देखने को मिली, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी कहां पर कितनी मनी दी गई है, कितनी लिमिटेशन यहां पर हो सकती है, कितना आप लोग यहां पर एस्टिमेट लगा सकते हैं, वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, और जो सजेशन इसके द्वारा दिए जाते हैं वो सजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भी प्रेजेंट किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए आप लोगों को बोल सकते हैं यहां पर एक आइडिया मिल जाता है कि क्या यहां पर बोलना है जाकर पार्लियामेंट में, किन चीजों के ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है, तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इस कमेटी को बोल सकते हैं अगर हम इसको डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग यहां पर माइंड में रख के इस कमेटी के बारे में चलना है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखेगा, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे, खासकर स्टार्टिंग के फेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कंपेयर करने के लिए, देखिए दो दो स्टेटमेंट भी आप लोगों को दी जा सकती है, बोल दिया जाएगा जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम लोगों ने देखा कितने मेंबर थे, 22 मेंबर थे वहां पर, आप लोगों को बोल देंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी में
पब्लिक अकाउंट कमेटी में 30 मेंबर है, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी में आप लोगों को बोल देंगे 22 मेंबर है, तो दोनों के मेंबर उल्टा कर देंगे, बोल देंगे स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, या फिर कोई सी भी गलत, कोई सी भी सही नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहां पर बोल देंगे कि जैसे एस्टिमेट कमेटी यहां पर बोलेंगे कि मेंबर जो है यहां पर दोनों से आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से निकलकर, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या दे देंगे, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वहां पर भी मेंबर दोनों जगह से निकलकर आते हैं। हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी में दोनों जगह से निकलकर आते हैं, पर एस्टिमेट कमेटी में तो दोनों जगह से निकल के नहीं आते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर यह भी पोर्शन आप लोग का जो एक पोर्शन गलत हो जाएगा और एक पोर्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आगे क्या बोलेंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बोल देंगे आप लोग, यहां पर जो इलेक्शन होता है, यहां पर जो यहां पर चेयरमैन चुना जाता है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और जो यहां पर बोल देंगे जो एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन होता है वो अपोजिशन का होता है, तो दोनों स्टेटमेंट आप लोग को अपोजिट करके दे देंगे। तो अगर आप लोग ढंग से चीजों को याद रखेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप लोग आसानी से करके ले जाएंगे। पर लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे इनमें तो फिर आप लोग उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देकर चलेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग काफी अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसलिए कंपेयर करके यहां पर पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग इनको भूले ना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएंगी तो आप लोग अच्छे से अगर कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग उसको कर पाएंगे। जैसे चेयरमैन हो गया, मेंबर क्या होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, पर चेयरमैन होता है अपॉइंटेड होता है। बोल देंगे यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसका जो चेयरमैन यहां पर अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं भैया, बिल्कुल गलत है, स्पीकर काम करते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो थोड़ी थोड़ी सी जो बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, बोल देंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो टाइम पीरियड होता है एक साल का होता है, और एस्टिमेट कमेटी का जो होता है वो दो साल का होता है, या फिर पांच साल भी आप लोगों को बोला जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट पांच साल तक रहती है। तो ये बोल देंगे कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी बोल देंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और यहां पर एस्टिमेट कमेटी को बोल देंगे ऐसा कुछ नहीं है, जबकि अपोजिशन, जबकि कमेंट क्या है, ये उल्टा है। तो इस तरीके से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बैठे बैठे जरा सी देर में। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर देंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि कहां पर किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई के टाइम पर ही अपने आप को देखेंगे कि हाँ मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो आप लोग ये सारी चीजें अपने आप से समझ पाएंगे किससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा अपना पढ़ने का नजरिया चेंज कीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग कितने आसान लगते हैं और आप लोग उन क्वेश्चन को एंजॉय भी कर पाएंगे आसानी से। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए, तो जिससे कि सबके एक एजुकेशन का अच्छा लेवल हमारी कंट्री में बना रहे। और अगर नहीं शेयर करते तो किसी को पढ़ा दिया कीजिए जाके, आपके हाथ में है दोनों। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा की न्यूज आपकी पढ़ाई में फायदा कर सकती है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पानी को भी सेव कीजिए, और हो सके तो पॉलिथीन वगैरह को कम से कम यूज कीजिए। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। Thanks a lot for listening. Jai Hind.